कोई माता की ऊँटों पे न डाले पानी, कोई माता की ऊँटों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें बेच के डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। हमसे छुड़ाया है राजमाने को, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। कोई माता की ऊँटों पे न डाले पानी, कोई माता की ऊँटों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के। मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी लोगों। कहां से शुरू करूं ये कहानी, जुल्मों सितम की ये दास्तान, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूं, आत्मा हूं, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूं उस जुल्म का जो यहां आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से ढाया। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूं, मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला। वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष कोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिलॉन, एक ग्रीक गॉड एगेमेमनॉन के नाम, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहां आते।
चलाते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहां लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर यह कोशिश नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बैठ जाती। उगते सूरज के साथ पक्षी जागते और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की आजादी की लड़ाई। गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। 1857 के वीरों के नक्श कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे
वहाबी आंदोलन की राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में। हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है सुलह करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेगा। यस इंडीड, जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। ये प्रिजनर लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते, वरना इस सब को प्रिजन नहीं स्वर्ग समझते। यस सर, आप ठीक कहते हैं। इधर आइए प्लीज। हम तुमको खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं। शेर अली है सजा याफ्ता कैदी, सजा में रियायत पाकर नाई की दुकान चलाता है। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सिलेंडर जेल का काम चीफ कमिश्नर केविन और इंजीनियर मैक्विन की निगरानी में शुरू हुआ। यूरेंस मैक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, हमने पूरा टापू का मुआयना कर लिया है। तो आपके हिसाब से जेल कब बनेगी? मेरा राय भी जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर। इस पहाड़ी पर? यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट का तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा। इससे दो फायदा होगा, जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी काटने से जो नीचे निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता सर। तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगा। फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों को काम पर लगा दिया गया। इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता है। योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाती थी जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह निकले होंगे। हर खंड में 3 मंजिलें बनाई जाती थी और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होना था। ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 मील लंबी पटरी बिछाई गई। इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती नहीं। सुबह दोपहर शाम रात कोड़े चलते रहे और काम होता रहा। दीवारें उठनी शुरू हो गई। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में ये विशाल काय जेल तैयार हुई और यहीं से अंडमान के इतिहास का
सबसे काला दौर शुरू हुआ। सच कहते हो, आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है। मैं पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो अंडमान जेल, किसी ने लेख लिखा तो अंडमान जेल। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चटगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मोपला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों की। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सोहन सिंह हमदार हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचेंद्र नाथ सांध्याल हाजिर, उल्लास्कर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस ज्योत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर डेविड बेरी। जमादार जी, हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कहो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाता है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाए? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता है। हम इधर का खुदा है, डेविड बेरी। इस तरह कैदियों से ठस ठस भरी जेल की गंदी सीलन भरी बदबूदार हवा में कैदियों का बंदी जीवन शुरू होता है। बेड़ियों की आवाज, वार्डनों की गाली गलौज और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम घुटना और
कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी भी आए जिन्हें ये माहौल हताश करने के बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम ऐसे ही बंदियों में बड़े सम्मान के साथ लिया करना था। जय उस्तु ते ते की जो लगते हिंदुस्तानियों के मन में धड़क रही है उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सके और जल्द ही उन्हें जाना होगा। इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा आरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया था कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेलुलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और नितान अकेला बन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह गई है। कैसा गति खा रहा है, चावल में कलका है, सब्जी में रेत है, दाल में खीरे। खाना क्या है, घास फूस है, बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात था यहाँ, इतनी बास मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हो या काम कर रहे हो। और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। 7 में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, तुम लोग इधर चलो, नारियल के बोरे उठाओ। हर बोरे में है 25 सेब नारियल, इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर।
शाम तक हर आदमी को 30 पाउंड तेल निकालना है, समझे? हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती है। सबान मत लड़ाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो जल्दी करो, भाग कर जाओ और काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको पेट लगाओ। जी हुजूर। समझा? जी। सजा दो, कोई छूट नहीं दो। जी। खोजा पूरा कराओ। जी। लेकिन तमाम मारपीट और गाली गलौज के बावजूद यदि कैदी काम पूरा न कर पाते तब जो सजा मिलती वो किसी की भी हिम्मत तोड़ने के लिए काफी थी। जमादार, इसको 2 दिन तक टाट का वर्दी पहनाओ। इसका गाना बंद। जी। सिर्फ 2 का खंजी दो। जी हुजूर। ये पहला बार काम नहीं पूरा किया। जी। इस वास्ते इसको 1 हफ्ता आबकारी में रखो। जी हुजूर। ये बागी का बच्चा है, इसको पेड़ी डालो। इसको भी पेड़ी डालो 6 महीने तक। जी। तुम अब तक 5 बार काम का खोटा पूरा नहीं किया, हम तुमको इस बदमाशी का मजा चखाएगा। इसको तन्हाई में रखो। जी। सॉलिटरी कंफाइनमेंट। जी। कोठरी में काम दो। जी। और इसको पेट लगाओ। जी। और बार। और बार। नहीं बोलेगा। बोल नहीं। बोल। बोल नहीं। बोल। बोल नहीं। जितनी ताकत है। बोल नहीं। उल्हासकर दत्त ने इस सारी तकलीफ की दिल को छू लेने वाली तस्वीर खींची है। हमारे गांव में तेल के लिए कोल्हू में बैल जोते जाते हैं, वो भी दिन में 10 से 12 सेर से ज्यादा तेल नहीं निकाल पाते। जेल में मुझे 2 और कैदियों के साथ बैल की जगह जोत दिया जाता था और हमें शाम तक 1 मन नारियल का तेल निकालने का काम सौंपा जाता। जमादार हमें दौड़ने पर मजबूर करते और रफ्तार धीमी होने पर कोड़े मारते। हर रोज न जाने हम कितनी बार लड़खड़ाते, गिरते और मार खाते, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। हुजूर, ये काम करने से इंकार करता है। क्यों? क्यों काम नहीं करेगा? जैसा बर्ताव ये जमादार करते हैं उसमें मैं काम नहीं करूंगा। मारपीट और सजा का नतीजा ये हुआ कि उल्हासकर ने 7 दिन के बाद खाना पीना और बात करना भी बंद कर दिया। वार्डनों का ख्याल था कि उल्हासकर पागल होते जा रहे हैं, लेकिन जेलर बेनी ने इसे नाटक बताते हुए उल्हासकर को बिजली के झटके लगाने का हुक्म दिया, जिसके बाद उल्हासकर 3 दिन और 3 रात बेहोश रहे। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर को बुलाया गया। सुनो मिस्टर उल्हासकर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क का आजादी के वास्ते ये करता, हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझते, लेकिन तुम अभी जवान है, एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाए तब अपना हाथ से जान क्यों ले? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकते, लेकिन तू चाहेगा तो हम तुमको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा देगा। ठीक है, इन जानवरों के बीच रहने से पागलों के बीच रहना बेहतर होगा। उल्हासकर की सारी तकलीफ का जेलर डेविड बेरी पर कोई असर नहीं हुआ।
उल्हासगर के जाने के बाद बेरी ने वीर सावरकर को चढ़ाते हुए पूछा, क्यों सावरकर, तू भी पागलपन का बहाना करेगा क्या? तुम्हारे बाद मिस्टर बेरी। अच्छा हाँ, जिस तरह के अत्याचार तुम कर रहे हो उनसे कोई भी आदमी पागल हो सकता है। रहने दो ये सब बात सावरकर, तुम अच्छी तरह जानता है उल्हासगर पागल नहीं है, बहाना खाता है। मिस्टर बेरी, अगर तुम सोचते हो कि उल्लास बहाना कर रहा था तब तुम पहले ही पागल हो चुके हो। ये सब अत्याचार, कोई रास्ता नहीं बचेगा। छूट नहीं, रियायत नहीं, दो काम नहीं। छूट नहीं, रियायत नहीं, दो काम नहीं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। इस तरह कैदियों ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। हड़तालों का एक लंबा सिलसिला चल पड़ा, मगर ऐसे मामलों से जेलर बेरी और उसके अमले के रवैये में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर सेलुलर जेल के कैदी तकलीफ और बदसलूकी के बीच अपने दिन गुजारते रहे। मगर एक सुख का स्मरण ना करना ना इंसाफी होगी। वो सुख था बुलबुलों की चहक, उनका मधुर स्वर, उनके झुंड कल कल करते नारियल के टुकड़ों पर टूट पड़ते। गंभीर विचारों से मुक्ति पाने के लिए मैं मन को बलपूर्वक इन बुलबुलों की चहक में लगाए रखता। मैं अपनी भाषा उन्हें सिखाने में असमर्थ था। यदि सिखा पाता तो मैं उन्हें देश प्रेम के गीत सिखा देता, ताकि अगर कोई मेरी कोठरी खोजता हुआ आए तो लोग कहें कि जिसके सामने बुलबुल देश प्रेम के गीत गा रही हो वही सावरकर की कोठरी है। एक बार में तीन कैदियों को फांसी पर लटका दिया जाता, दिल दहला देने वाली चीखें निकलती, जेल का घंटा घनघना उठता, जेल की मीनार पर लगी बत्ती जलती बुझती रहती और 8 मील दूर तक खड़े जहाजों तक खबर पहुंच जाती कि फिर से कुछ कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया है। 12 मई 1933 को कैदियों ने फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया। भूख हड़ताल करने वालों में सरदार भगत सिंह के बहादुर साथी महावीर सिंह भी शामिल थे। हड़ताल के 5वें दिन जब कैदियों को जबरदस्ती खुराक दी जाने लगी तो महावीर सिंह ने ताकतवर विरोध किया। जालिमों, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं पर झुक कर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। कलाम जिंदा बाबा। हम जबरदस्त लगा दो,
किसी को कान कान खबर ना हो। मैं तो कहता हूँ साहब, इसकी लाश को बोरे में डालकर पत्थर से बांध कर समंदर में बहा दीजिए। कैसा खबर? लेकिन ये खबर छिपी नहीं रह सकी। जब लोगों को पता चला तो देश भर में विरोध की भीषण लहर फैल गई। और फिर 45 दिन बाद 26 जून 1933 को जेल अधिकारियों ने हथियार डाल दिए। लेकिन देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इन्हीं हालात में सन 1937 के संवैधानिक सुधार लागू किए गए और कांग्रेस ने अनेक प्रांतों में मंत्रिमंडल कायम किए। स्वाधीनता की तरफ बढ़ते कदमों में तेजी लाने के लिए अंडमान के सेलुलर जेल के बंदियों ने भी आवाज बुलंद की। बंदियों की रिहाई, स्वदेश वापसी और राजनीतिक बंदियों के लिए बेहतर सुविधाएं हासिल करने की मांग को लेकर 24 जुलाई 1937 को सेलुलर जेल के कैदियों ने सामूहिक अनशन शुरू किया। समर्थन में आंदोलन होने लगे। सारे देश के राजनीतिक बंदियों ने अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर और कांग्रेस की कार्यकारिणी की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने कैदियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की और 28 अगस्त 1937 को गांधी जी ने सेलुलर जेल के बंदियों को तार से संदेश भेजा। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और वर्किंग कमेटी की राय में अपनी अपील भी जोड़ना चाहता हूं। आप सब हड़ताल वापस ले लें और हम पर भरोसा रखें। हम आपको राहत दिलाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैदियों पर गांधी जी की इस अपील का बहुत असर पड़ा। सभी कैदियों ने आपस में सलाह करने के बाद जवाब दिया। देशव्यापी अपील और आपके संदेश ने हमारे दिलों को छू लिया है। हम इस भरोसे पर भूख हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं कि सारे देश ने हमारी मांगों और हमारे उद्देश्य को अपना बना लिया है। वंदे मातरम। 36 दिन के संघर्ष के बाद एक बार फिर बंदियों की जीत हुई। नतीजे के तौर पर सितंबर 1937 से सेलुलर जेल के कैदियों की स्वदेश वापसी शुरू हुई। आखिरी जत्था जनवरी 1938 में रवाना हुआ और 80 साल बाद सेलुलर जेल राजनीतिक बंदियों से खाली हो गई और अंडमान द्वीप समूह के इतिहास का एक तकलीफ देह दौर खत्म हो गया। मगर एक और सारा दौर शुरू होने वाला था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1942 में जापानियों ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। हालांकि अंडमान पर जापानियों का कब्जा सिर्फ 3 साल रहा, लेकिन इस अरसे में भी उन्होंने काफी जुल्म किया। हर आदमी उनकी नजर में अंग्रेजों का जासूस था। हर रोज खेतों से, दूर दराज के गांव देहात से दसियों लोग पकड़े जाते और मौत के घाट उतार दिए जाते।
से लोग तो खाने की कमी के कारण जहाज पर लाद कर दूर समंदर में फेंक दिए। इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया, मगर जापानी उन्हें जेल के उन हिस्सों में नहीं ले गए जहां वो सैकड़ों कैदियों को जासूस करार देकर तकलीफें पहुंचाते थे। अपनी छोटी सी अंडमान यात्रा के दौरान नेताजी ने तिरंगा भी फहराया। अगस्त 1945 में दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ और 3 साल 6 महीने 15 दिन के कब्जे के बाद अक्टूबर 1945 में अंडमान की जापानी छावनी ने अंग्रेजों के आगे हथियार डाल दिया। सेलुलर जेल के फाटक एक बार फिर खुले और कैदियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद 2 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन खत्म हो गया। अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलों दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं।